किसान भाइयों नमस्कार, मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आपने अपने गेहूं के खेत में खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग किया है और आपके गेहूं के खेत से खरपतवार नष्ट नहीं हुए हैं, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? आज हम इसी गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे, इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जो भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। किसान भाइयों, गेहूं के खेत से खर पतवार की समस्या दूर न होने का पहला कारण हो सकता है कि आपने गेहूँ के खर पतवार की रोकथाम के लिए जो खर पतवार नाशी दवा बाजार से खरीदी है वह सही है कि नहीं। यदि दवा सही नहीं है तो बिल्कुल काम नहीं करेगी, इसलिए दवा खरीदते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि दवा किसी अच्छी कंपनी का ही खरीदें, सस्ते के चक्कर में न पड़ें। अच्छी कंपनी की दवा थोड़ी महंगी जरूर आती है लेकिन काम भी अच्छी तरह से करती है। दवा पर कंपनी का हॉलमार्क का जरूर देखें, दवा की पैकिंग की तिथि एवं एक्सपायरी तिथि जरूर देखें, पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही दवा खरीदें। दवा काम न करने का दूसरा कारण हो सकता है कि दवा का अनुशंसित मात्रा में प्रयोग न करना। किसान भाइयों, यदि खर पतवार नाशी दवा का अनुशंसित मात्रा से भी कम प्रयोग करते हैं तो भी दवा काम नहीं करेगी, इसलिए अच्छे परिणाम के लिए अनुशंसित मात्रा में ही दवा का प्रयोग करें। दवा काम न करने का तीसरा कारण हो सकता है दवा का छिड़काव करने में घोर लापरवाही। किसान भाइयों, खर पतवार नाशी दवा का इस्तेमाल पानी में घोलकर स्प्रे किया जाता है, इसलिए दवा का प्रयोग अनुशंसित पानी में घोलकर ही करनी चाहिए। यदि दवा का स्प्रे पीठ वाली मशीन से करते हैं तो प्रति एकड़ 8 टंकी पानी का जरूर प्रयोग करें। कुछ किसान भाई प्रति एकड़ 2 से 3 टंकी पानी का ही प्रयोग करते हैं जिससे खर पतवार के ऊपर दवा अच्छी तरह से नहीं पड़ती है और दवा सही से काम नहीं करती, इसलिए अनुशंसित मात्रा में पानी का जरूर प्रयोग करें। दवा काम न करने का चौथा कारण हो सकता है सही समय पर दवा का प्रयोग न करना। किसान भाइयों, खर पतवार नाशी दवा का प्रयोग गेहूं की पहली सिंचाई के 6 से 7 दिन बाद जब खेत में पैर टिकने लगे और खर पतवार 2 से 4 पत्ती की अवस्था में हो तभी करें। बुआई के 30 से 45 दिन के मध्य का समय खरपतवार से प्रतियोगिता की दृष्टि से क्रांतिक समय होता है। उचित समय पर दवा का प्रयोग न करने से भी खरपतवार की रोकथाम सही से नहीं हो पाती है। दवा काम न करने का पांचवा कारण हो सकता है खेत में पर्याप्त नमी का न होना। कोई भी खरपतवार नाशी दवा खेत में पर्याप्त नमी होने पर ही सही से काम करती है। यदि खेत में पर्याप्त नमी नहीं है तो खरपतवार नाशी दवा सही से काम नहीं करेगी, इसलिए गेहूं में दवा का छिड़काव तभी करें जब खेत में पर्याप्त नमी हो। दवा काम न करने का छठवां कारण हो सकता है दवा का छिड़काव करने के तुरंत बाद बारिश का हो जाना। यदि दवा का छिड़काव करने के तुरंत बाद बारिश हो जाती है तो भी दवा सही से काम नहीं करेगी, क्योंकि दवा के स्प्रे करने के बाद कम से कम 6 से 8 घंटा साफ मौसम होना जरूरी है। दवा अच्छी तरह से सूखने के बाद ही अच्छा रिजल्ट देती है, इसलिए किसान भाइयों, गेहूं की फसल में खर पतवार नाशी दवा का प्रयोग करते समय उपरोक्त बातों का जरूर ध्यान रखें। किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।